हेलो एवरीवन, यहाँ पर काफ़ी सारी जो कंपनियाँ हैं उनकी अपडेट निकल निकल के आ रही है कि जैसे राइट इश्यू के रिगार्डिंग है, बायबैक के रिगार्डिंग है। तो अभी आज के दिन जो कुछ कंपनियों की राइट इश्यू के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आई है, जैसे इंटरएक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इस कंपनी का जो मीटिंग होना है राइट इश्यू से पैसे उठाने के बारे में, तो वो जो 29 अगस्त को होना है, जिसमें ये पता चलेगा कि कंपनी किस प्राइस के ऊपर में, क्या रिकॉर्ड डेट, क्या डेट्स जो ओपनिंग और क्लोजिंग डेट, रजिस्ट्रेशन डेट्स, कितने शेयर्स के ऊपर कितने शेयर्स देने वाली है, किस प्राइस पे देने वाली है, तो वो सब कुछ डिस्कशन होने वाला है। और उसके बाद में 29 अगस्त को हमारे सामने इन्फॉर्मेशन सामने आ सकती है उसके रिगार्डिंग। तो मीटिंग की इंटीमेशन यहाँ पर आया है। इसी के साथ में एक कंपनी और है जिसका इंटीमेशन आया हुआ है, जिसका नाम है शरीका एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो इसकी भी मीटिंग होनी है 28 अगस्त को, और यहाँ पर ये कंपनी भी पैसे उठाने की बात कर रही है, बट इसने अभी तक ये तय नहीं किया कि राइट इश्यू के थ्रू उठाना है, प्रिफरेंशियल, एफपीओ, किसके थ्रू उठाना है। बस इनको ये बताया है कि पैसे उठाने हैं और उसके रिगार्डिंग इनकी मीटिंग है 28 अगस्त को, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी किस तरीके से पैसे उठाएंगे, क्या उठाएंगे, कितने पे उठाएंगे, कौन सा वे होगा, राइट। तो ये दो कंपनियों की इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है और इनके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, राइट इशू में जब कोई भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आती है तो और पैसा कंपनी उठाती है, तो कंपनी ऑलरेडी अच्छी होती है, तो उसके ऊपर में जो चीज़ उसको दबाव में रख रही होती है, फिर नुकसान में रख रही होती है, उसका कंपनी पेमेंट कर देती है, तो उसके बाद में फ्यूचर के अंदर में कंपनी कई बार ब्राइट रह बनने के चांसेस बनते हैं, जिसकी वजह से कंपनी में पॉजिटिव न्यूज़ आती है। पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो वो ऊपर में जाने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं, बट उसके लिए आपको कंपनी की रिसर्च करना ज़्यादा ज़रूरी है, इंटरनल रिसर्च। तो इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसके बाद में हम कंपनी की रिसर्च भी करेंगे वन बाई वन, तो कंपनी के अंदर भी झांकने की कोशिश करेंगे, बट दिस इज जस्ट एन अपडेट। दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।